जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है आंवल की एकादशी। जानेंगे इस दिन भगवान विष्णु के साथ की जाती है आंवले के वृक्ष की पूजा। जानेंगे इसका महत्व, तिथि और व्रत की विधि। मित्रों, जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं आंवल की एकादशी के बारे में। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की एकादशी तिथि को आंवल की एकादशी कहा जाता है। इस बार आंवल की एकादशी 25 मार्च 2021 दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस एकादशी को आंवला एकादशी तथा आंवलक्य एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा विधि विधान से की जाती है, साथ में आंवले के वृक्ष का पूजन भी किया जाता है। आंवल की एकादशी के दिन आंवले का विशेष महत्व माना जाता है। मित्रों, मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आंवल की एकादशी के दिन आंवले के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने से 100 गायों के दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आंवल की एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और व्रत की विधि। मित्रों, आंवल एकादशी तिथि प्रारंभ और पारण मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 मार्च 2021 दिन बुधवार सुबह 10:32 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 मार्च 2021 दिन बृहस्पतिवार सुबह 9:47 पर। द्वादशी तिथि पारणा मुहूर्त रहेगा 26 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 6:53 से 8:12 के मध्य। मित्रों, पारणा की अवधि रहेगी 2 घंटे 27 मिनट। आंवल की एकादशी का महत्व। मित्रों, पद्म पुराण में उल्लेख के अनुसार आंवल की एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से सैकड़ों तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का बहुत महत्व माना गया है। भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी आंवले का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जो लोग एकादशी करते हैं बड़े विधि विधान और नियम से इस एकादशी को करिए और भगवान विष्णु, बाबा श्याम और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, ये थी आंवल के एकादशी की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इसे जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे, ये चैनल उतना जल्दी ही मोनेटाइज होगा और हर किसी के पास इसका बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिषीय जानकारी है जो पहुंच पाएगी। मित्रों, जय श्री श्याम।